सिंपल नरेशन हो गया क्या? लिखो इंटरोगेटिव नरेशन, इंटरोगेटिव नरेशन। इंटरोगेटिव नरेशन की रिपोर्टेड स्पीच WH वर्ड या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है। बदलने के नियम, अब जो भी चला रहा है इंस्टा वाली रील चुपचाप बंद कर ले, पढ़ ले। इंटरोगेटिव नरेशन की रिपोर्ट स्पीच WH वर्ड या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है। बदलने के नियम, सैड सैड टू को, ठंड लग रही है क्या? सैड सैड टू को आस्क्ड में बदलते हैं। यदि RS किसी WH वर्ड से स्टार्ट हो तो हम उसी WH वर्ड को कनेक्टिव बनाते हैं। यदि RS हो तो हम कनेक्टिव के रूप में एफ या वेदर का जो करते हैं। सेंटेंस को
इंटरोगेटिव से सिंपल बनाते हैं। लिख लिया क्या? सबसे इंपॉर्टेंट है सेंटेंस को इंटरोगेटिव से सिंपल बनाना। अगर ये नहीं बनाया तो फिर सेंटेंस नहीं बनेगा आपका सही। लिख लिया नियम? बोलो तो, तुम तो शनिवार जैसे चुप हो गए। लिख रहे हो अभी? पेपर किसका? तुम्हारा टेस्ट है क्या आज? किसका बनाया था? मेरे को याद ही नहीं। हाँ इजी है, आप लोग कर लोगे, डाउट नहीं है, चेक किया हुआ है। क्या लिख कर तुम्हें कौन सा याद है? सेंटेंस देखो, सेट सेट टू किसे बदलेंगे? बोलो, डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होगा तो उसे कनेक्टिव बना देंगे। अब लिखना नहीं है, समझना है। यू सेट टू Where do you live? पहले समझो। अब इधर said said to को बदलेंगे asked में। हर यहां जो डब्ल्यू एच वर्ड है वही रहेगा। अब इस डब्ल्यू एच वर्ड को जब आप कनेक्टिव बना दोगे तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लाओगे। क्या नहीं लाओगे? ये जो नाउन प्रोनाउन यहां आएगा उसको इसके बाद लाओगे तो ये सिंपल बन जाएगा। शी, अब ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है और सेंटेंस कौन से टेंस में है? प्रेजेंट सिंपल में। लेके जाओगे पास्ट में तो पास्ट सिंपल में बनाओगे तो वर्ब की केवल सेकंड फॉर्म आएगी, हेल्पिंग की जरूरत। तो वेयर शी लिव्ड, दोबारा समझाओ। कई सोच रहे होंगे डू कहां चला गया। ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है। अगर इसी सेंटेंस को तुम अफर्मेटिव बनाना चाहो यहीं पे तो यू लिव भी तो बनेगा। जब इस सेंटेंस को आप सिंपल बनाओगे तो यू लिव बनेगा। इंटरोगेटिव बनाया तब आपने डू डज लगाया है। प्रेजेंट इंडेफिनेट के साधारण वाक्यों में आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हो क्या? बस तो फिर पास्ट इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। लिख लो ये वाला, फिर अपन सेंटेंस लिखते हैं, फिर बना के दिखाना मेरे को। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो आप लोग। हाँ मनोज, मैं चांद पे जा रहा हूं। हाँ एलन मस्क के बात हो गई रात को, अब जा रहा हूं बस। बता, अच्छा पेपर भेजना है क्या? ठीक है। हाँ ठीक है, भेज रहा हूँ। ये पूछने वाली बात थोड़ी थी, ऑफिस में बैठे बैठे फोन कर रहे कहाँ है तो पता नहीं कहाँ है, क्लास में हूँ मैं, पता नहीं।
लिख लिया था क्या? मैं भूल गया बात ही बातों में। होशियार बच्चे हो, बना लोगे, शाबाश बनाओ। कौन कौन चल रहा है? रानी सैड टू हर हस्बैंड, करो चेंज। कर लिया चेंज? कर लिया? किस किस ने? क्या बनाया बोलो। रानी आस्क्ड हर हस्बैंड एफ, जाओ इधर देखो, पहले हर हस्बैंड महिला है कि पुरुष है? यह भी डाउट है क्या? पुरुष है। ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट ही बनेगा। तो रानी आस्क्ड हर हस्बैंड इफ ही लव्ड हर, जिन्होंने, बिल्कुल आ सकता है। लेकिन हम इफ यूज करते हैं, वेदर विकल्प में डिफाइन होता है। हाँ, जब अगर पीछे यस नो टाइप होते हैं तो वेदर यूज कर लेते हैं। जिनका सही था हाथ ऊपर करो। अरे पूरी क्लास में सही बनाए, बैठ, होशियार हो गए तुम। एक और लिखो। आई सेड टू यू, Did you have for me? ना लिया क्या? क्या बना है? आई सेड टू यू डिड यू हैव सम टाइम फॉर मी, आस्क्ड आ जाएगा। आई Asked you if, you का तो यू ही रहेगा, had, had, भूल गए कल वाली बात। ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा।
हेड आएगा तो हेड के साथ लेके जाओगे, देखो तो ये बन जाएगा यू हैड हैड सम टाइम फॉर मी का मी रह जाएगा, जिनका सही हाथ पर करो। ठीक है, समझ आ गई। एक और लिखो, आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम यू, अच्छा इंटरोगेटिव बनाना, व्हेन विल यू When will you come here? You said to her, बना ले के दोनों। आई सेड टू हिम, बना लिया क्या बोलो तो, बना लिया क्या? आई जगह आई आस्क्ड हिम व्हेन ही वुड कम देयर, ये बना है सबने, सही है क्या? यू आस्क्ड हर व्हाई शी वाज कुकिंग फूड फॉर यू, मी, मी फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है यू तो मी की जगह पर कौन आएगा? मतलब इंटरोगेटिव बना लोगे ना? ठीक है, लिखो इंपेरेटिव नरेशन। इंपेरेटिव नरेशन, देखो इंपेरेटिव नरेशन की
इंपेरेटिव नरेशन की स्पीच चार प्रकार से स्टार्ट होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू नॉट से, लेट से। इम्पेरेटिव जो नरेशन है उसकी आर एस किससे स्टार्ट होगी बोलो? चार प्रकार से। कितने प्रकार से? किस किस से होगी बोलो तो? समझ आ गई क्या? लिख रहा है तू? लिख ले बेटा, मैसेज ही करोगे तुम और क्या करोगे। देखो, यदि आर एस आर एस तो जानती हो आप, सुबह सुबह किसका नाम ले रहा है निकम्मा? श्याम होने दे बेटा, तू कहां सुबह सुबह। आरएस, यदि आरएस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, तो बहुत मैसेज आ रहे हैं। किसका बज रहा है ये? बहुत देर हो गई। गुड मॉर्निंग का मैसेज है। खतरनाक अनुभव है तुम लोगों का भाई। वैसे तुझे क्या पता गुड मॉर्निंग का ही मैसेज है वो। देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो तो, यदि आरएस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो तो बदलने के नियम हो तो बदलने के नियम यदि आरएस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो तो बदलने के नियम सेड सेट टू को वाक्य के भावानुसार एडवाइज्ड, सजेस्टेड, कमांडेड,
मैं बदलते हैं। कनेक्टिव टू का प्रयोग करते हैं। बस आपको सेंटेंस का मीनिंग देख के एडवाइज सजेस्टेड वो दोनों कॉमन है, कमांडेड ऑर्डर्ड में बदलना है, कमांड आर्मी में आएगा, कहाँ आएगा आर्मी। कनेक्टिव का टू आएगा, कनेक्टिव के बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको दी जाएगी वो सीधी जोड़ दी जाएगी। लिख लिया कि सभी ने? अब यहां पर जो डायलॉग डिफाइन होंगे उनका सुनो पहले। अब जैसे पेशेंट और रोगी है, उनके बीच में इनमें से क्या हो सकता है? सजेस्ट हो सकता है, एडवाइज हो सकता है। समझ आ गई क्या? आर्मी का कोई है तो क्या जाएगा? कमांड आ जाएगा। कोई आपका मित्र है, आपको सलाह दे रहा है, पापा है, तो वो तो एडवाइस देगा, नहीं तो आदेश ये फिर सीधा। यहां पर लिखे है, लिखना नहीं है, आपको समझना है। डॉक्टर सैड टू, मरीज नहीं पेशेंट, मरीज मरीज मत बोला कर बेटा। टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस ए डे। ट्वाइस ए डे का मतलब दिन में बनाओ। बना लिया क्या? बेत इजीशा तो है ये, यहां एडवाइस सजेस्टमेंट कुछ भी लगा लो। डॉक्टर एडवाइज्ड या सजेस्टेड पेशेंट, फिर क्या आएगा? टू, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहनी है। दिस का हो जाएगा दैट मेडिसिन ट्वाइस ए डे। डॉक्टर एडवाइज या सजेस्टेड पेशेंट टू टेक दैट मेडिसिन ट्वाइस ए डे, यही बना है ना? समझ नहीं आया, दोबारा समझाऊं क्या? अरे बोलो तो, आ गया? एक और लिखो फिर। टीचर सैड टू स्टूडेंट्स ओपन योर बुक्स। द कैप्टन ऑर्डर्स मार्च फॉरवर्ड।
अब किसका एयर है? बना लिया क्या टीचर? ये सलाह नहीं है, इधर ऑर्डर है। टीचर ऑर्डर्ड स्टूडेंट्स टू ओपन दियर बुक्स, आएगा दे बनेगा इसका, बहुवचन नहीं है क्या ये? एक विद्यार्थी होता तो ही बना लेते, सी बना लेते, बहुत सारे हैं तो क्या बनेगा? दे बनेगा। दे बनेगा तो देखा, देख लो योर वाली लाइन में देखा क्या है, टेबल में जाके दियर बुक्स यही बनाया ना, नहीं आया समझ अभी भी? ये तो एजी सा ही है, कमांडेड लगाना है, द कैप्टन कमांडेड सोल्जर्स टू मार्च फॉरवर्ड, नहीं कमांड ही आएगा, आर्मी का मामला है, ऊपर वाले में तो ऑर्डर ही है, ऊपर वाले में कमांड है, कमांड आर्मी के लिए यूज करते हैं अपन। ये बना लोगे ना स्टेप से, ठीक है। अगला लिखो, देखो यदि यदि आर एस डू नॉट से स्टार्ट हो तो बदलने के नियम, यदि आर एस डू नॉट से स्टार्ट हो तो बदलने के नियम, सेट या सेट टू को सजेस्ट एड में डू को हटा देते हैं और नॉट को कनेक्टिव से पहले लिखते हैं। कनेक्टिव टू का प्रयोग करते हैं, ये ए पार्ट है। दूसरे पार्ट पे हम सेट सेट टू को फॉरवर्ड में बदलते हैं। डू नॉट को रिमूव कर देते हैं, कनेक्टिव दैट का प्रयोग करते हैं। कनेक्टिव दैट का प्रयोग करते हैं।
दो प्रकार से बनेंगे, एक में सैड एसेट टू क्या बोलेंगे, सजेस्ट एटम बदल देंगे, डू को हटा देंगे और नॉट को कनेक्टिव से पहले लिखेंगे, कनेक्टिव टू का प्रयोग करेंगे, दूसरे में फॉरवर्ड आ जाएगा, डू नॉट पूरा हट जाएगा, कनेक्टिव टू ही रहेगा, ओ सॉरी दैट ही टू ही रहेगा, सही कर लो, दैट नहीं टू ही आएगा दोनों जगह पर, सही कर लो टू आएगा दैट नहीं, कर लिया ना, दैट की जगह पर टू ही आए, पूरे में टू रहेगा, यहां हम बनाते हैं यू सेट टू हिम डू नॉट गो देयर एट नाइट, बनाओ दोनों प्रकार से, do not waste your time, दोनों तरीके से बनाना है आपको, बना रहे दोनों, पहला बनेगा यू सजेस्टेड हिम नॉट टू गो देयर एट नाइट, जिनका सही हाथ पर करो, दूसरा बन जाएगा यू फॉरवर्ड हिम टू गो देयर एट नाइट, सही है, दूसरा बन जाएगा शी suggested me not to waste my time, जिनका सही हाथ ऊपर करो, तुम इधर तुमसे नहीं बन रहे क्या, नहीं बने, she forbade me to waste my time, और लिख लो, he said to her do not follow me,
do not eat food. टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव हो जाएगी, टू के बाद वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रहेगी। बना लिया, क्या बना लिया बोलो। शी, पता नहीं क्या बोल रहे हो, मैं ही बता देता हूं। शी, अच्छा ही सजेस्टेड हर नॉट टू हिम, ही फॉरवर्ड हर टू फॉलो हिम, यू सजेस्टेड हिम नॉट टू ईट फूड, सही है ना, और यू फॉरवर्ड हिम टू ईट फूड। बना लोगे यहां तक? ठीक है, बाकी आपका 2 घंटे का बचा है, बस पूरा हो जाए आपका।